इस वक्त की बड़ी खबर सिंघाना क्षेत्र से है। पीसीपी एनडीटी टीम ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए कोख के कातिल को पकड़ा है, जिसमें भ्रूण जांच के मुख्य सरगना अवधेश पांडे को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। हरियाणा राजस्थान की चिकित्सा विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए सिंघाना थाना क्षेत्र के डुमोली खुर्द में दबिश देकर लिंग परीक्षण की जांच करने के मामले में दो जनों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान टीम ने लिंग परीक्षण में काम आने वाली मशीन को भी जब्त किया है तथा गिरफ्तार आरोपियों को सिंघाना थाना लेकर राजस्थान स्टेट टीम को सौंपा गया है। रोहतक की पीसीपी एनडीटी टीम ने नोडल अधिकारी विकास सैनी ने बताया कि पिछले कई दिनों से रोहतक की गर्भवती महिलाओं का नारनौल क्षेत्र में ले जाकर अल्ट्रासाउंड द्वारा भ्रूण लिंग जांच करने की सूचना मिल रही थी, जिस पर रोहतक व सिविल सर्जन नारनौल की टीम की ओर से संयुक्त रूप से दबिश देने का फैसला लिया गया। इस दौरान टीम ने एक 4 माह की गर्भवती महिला को कार्रवाई के लिए डमी ग्राहक तैयार कर लिंग परीक्षण करवाने वाले एजेंट के साथ जाने का सौदा तय किया। इस दौरान एजेंट अलवर निवासी ने 50,000 रुपये की डिमांड की और बुधवार को सुबह 4 बजे अलवर जिले के काटुवास टोल के पास पहुँचने के लिए कहा। टीम को सूचना सही साबित होने पर नकली ग्राहक महिला को 50,000 रुपये देकर एजेंट के पास भेजा और अलग अलग गाड़ियों में सवार होकर एजेंट के अनुसार बताए स्थान पर पहुंच गए। इस दौरान एजेंट एक सफ़ेद कलर की बोलेरो लेकर वहां पहुंचा और महिला को गाड़ी में बैठाकर नारनौल के महावीर चौक स्थित सन प्लाजा पर आने के लिए कहा। इस दौरान नारनौल की टीम ने संपर्क कर कार्रवाई को अंजाम देने की तैयारी की तो कुछ ही देर में एजेंट महिला को लेकर नारनौल से सिंघाना रोड पर चला गया, जिसकी टीम लगातार पीछा कर रही थी। इस दौरान एजेंट गाड़ी में पहले से ही एक अन्य महिला को बैठा रखा था, जो कि भ्रूण लिंग जांच करवाने के लिए एजेंट के साथ आई हुई थी। इस दौरान एजेंट अपनी गाड़ी से उसको लेकर राजस्थान के सिंघाना क्षेत्र में प्रवेश किया और डुमोली में एक दूध की डेयरी पर पहुँचा। इस दौरान डुमोली खुर्द में खेतों में बनी उदय सिंह पुत्र महावीर सिंह की दूध डेयरी पर एक काले रंग की एक्टिवा स्कूटी पर पीठ पर थैला लटकाकर एक व्यक्ति अल्ट्रासाउंड की मशीन लेकर आया और कमरे में ले जाकर महिला की पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन से जांच कर लड़की होना बताया। इसके बाद एजेंट द्वारा अपने साथ लाई गई दूसरी महिला की जांच कर उसे लड़का होना बताया। इस दौरान टीम द्वारा भेजी गई महिला के इशारा किया तो दोनों टीमों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर अंजाम देने का प्रयास किया तो एजेंट अपनी बोलेरो गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। इस दौरान टीम ने अल्ट्रासाउंड करने वाले व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना नाम अवधेश पांडे पुत्र कुमार शंकर पांडे निवासी खेतड़ी होना बताया। पीसीपी एनडीटी की टीम ने जब उसकी तलाशी ली तो उसमें पैंट 10,000 रुपये पाए गए, जो पीसीपी एनडीटी टीम द्वारा गर्भवती महिला को दिए गए थे। नोडल अधिकारी विकास सैनी ने बताया कि अवधेश पांडे पर 2 मामले नारनौल में तथा 5 मामले राजस्थान में दर्ज है तथा उसके पास मिली पोर्टेबल मशीन का पंजीकरण भी नहीं पाया गया है। इसके अलावा अवधेश पांडे पीसीपी एनडीटी एक्ट के अनुसार सोनोग्राफी करने की शैक्षणिक योग्यता भी नहीं है, जिस पर टीम ने अवधेश पांडे व डेयरी मालिक उदय सिंह को गिरफ्तार किया है। इस दौरान सिंघाना थाना अधिकारी भजनाराम मय जाब्ते के मौके पर पहुंचे और कार्रवाई में रोहतक पीसीपी एनडीटी सेल के डॉक्टर विकास सैनी, डॉक्टर देवेंद्र सभरवाल, डॉक्टर विकास चौधरी, डॉक्टर विजय, डॉक्टर जोगेंद्र नानोल से डॉक्टर हर्ष चौहान, अशोक कुमार झुंझुनू RCHO, डॉक्टर दयानंद सिंह, दिनेश कुमार चंद्रवान आदि शामिल रहे। आज यहाँ पे हमने एक भ्रूण लिंग जांच का जो भंडाफोड़ किया है, इसमें हमें काफी दिन से एक सूचना मिली थी गुप्त सूत्र के दौरान कि यहाँ पे भ्रूण लिंग जांच हो रही है, जिसमें हम काफ़ी दिन से इसको ट्रैकिंग पे लगे हुए थे इसके। और आज हमारे जो गुप्त सूत्र है उसने हमें इन्फॉर्मेशन दी कि भ्रूण लिंग जांच के लिए आज उसने हमें बुलाया है, तो हम अपनी पूरी टीम के साथ, रोहतक की टीम, नारनौल की टीम और राजस्थान की टीम, इन तीनों टीमों के संयुक्त प्रयास से आज हमने इस जो भी भ्रूण लिंग जाँच कर रहा है इस पूरे के पूरे गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इसमें हमें एक महिला जो हमारे साथ थी, उस वो हमारी जो पेशेंट थी, हमने उसको भेजा साथ में। जब हमने उस पेशेंट को अपने पेशेंट भेजा उस जगह, वहाँ पे एक पेशेंट, एक लेडी और मिली है जो वहाँ पे अपनी जांच करवाने आई हुई थी, जिसको कि हमने पूछताछ से पता लगाया है कि वो भी काफ़ी दिनों से इसके संपर्क में थी और अपनी जांच करवाने आई हुई थी। जो ये है, जो इसका सरगना है, वो यादव है, अपना अवधेश पांडे है, जो कि पहले भी काफ़ी केसेस में चार्जशीटेड है और पिछले दिनों भी वो लगभग डेढ़ साल की सज़ा काट के आया हुआ है। और अभी भी आज जब हमने उसको पकड़ा है तो उसने पहले काफ़ी चालाकी से हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करी, लेकिन थोड़ी सी सख्ताई के साथ और पुलिस के साझा प्रयास के साथ उसने काफ़ी सहजता से अपना सारा जो गुनाह है वो कबूल किया है। और जिसमें कि हमें वहाँ पे उसके
एक खेतों में जो एक तबेला होता है जिसको हम कह सकते हैं, वहाँ पे उसने एक छोटे से कमरे में ये भ्रूण लिंग जांच का एक गौरव धंधा चलाया हुआ था, जिसमें कि एक छोटी सी पोर्टेबल मशीन जो बिल्कुल हमारे जो बैग होते हैं छोटे बैग उसमें पाई गई है, और उस मशीन से ही वो वहाँ पोर्टेबल मशीन से ही जाँच कर रहा था छोटे से कमरे में। सर जांच के एवज में वो कितने रुपए ले? देखिए जांच के एवज में वो अलग अलग लोगों से अलग अलग पैसे ले रहा था, जैसे एक पेशेंट से उसने 50,000 रुपये लिए हुए हैं और एक से 40,000 रुपये लिए।